Hello everyone, you are listening Abhishek Jha and I am here to discuss some MCQs related to the genetics and these questions will be quite useful for the state uh, exams or the UPKT exams or JRF exams. So let us start. और शुरू करने से पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि हम जो क्वेश्चन से रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताएंगे वो आप लोग नोट कर सकते हैं तो इसलिए अपने पास कॉपी पेन रखें ताकि आप अच्छे से नोट करके याद रख पाएँ बाद में भी ठीक है ऐसे क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होता है आपको उसके रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब पता रहती है तो आप इफेक्टिवली एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते हैं कि आखिर आंसर ये है तो क्यों है तो हम बताएंगे कि ये आंसर है तो क्यों है ओके चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है चियाजमा बिकम्स ऑब्जर्वेबल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है जागोटीन दूसरा है डिप्लोटीन तीसरा है पैकेटिन चौथा है लेप्टोटीन इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा डिप्लोटीन क्योंकि आपको पता है कि जैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है पैकेटिन में ये सारे स्टेजेज आपको पता होना चाहिए कि म्योसिस के प्रोफेज वन का ये पांच स्टेप चलता है जिसको हम लोग लेजी पापा की दीदी नाम से याद रखते हैं जैसे लेप्टोटीन

मूवमेंट ऑफ द चियाजमा जो होता है वह सेंट्रोमियर से होते हुए वो टिलोमियर तक पहुंचता है और जैसे ही कंप्लीट टर्मिलाइजेशन ऑफ द चियाजमा हो जाता है तो डिप्लोटीन खत्म हो जाता है वहीं पे और डायग्नोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है तो चियाजमा का ये पूरी हिस्ट्री है जो कि आप देख सकते हैं डिप्लोटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लें माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजम काउंट आपको पता है ये दोनों सेक्स सेल्स इन प्लांट है इसलिए इसका बेस्ट आंसर है हेप्लॉइड। यदि हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आए तो थर्ड क्वेश्चन है ग्रेजर जोहान मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑप्शन है पाइसम सेटिवम फेस्यूल वलगेरिस पाइसम एरवेंस बोथ एंड बीट द इसका आंसर डी जाएगा बोथ एंड भी मतलब पासम सेटिवम और फैस्योलस वलगेरिस दोनों आपको पता होना चाहिए कि पाइसम सेटिवम पे एक्सपेरिमेंट करके मेंडल ने एक इतिहास रच दिया था और वहीं पे फैस्योलस वलगेरिस पे इसको फेल्योरनेस मिली थी लेकिन ये स ये इन्होंने यूज़ तो किया था एक्सपेरिमेंट का वो अलग बात है कि कुछ फेल्योर हो गए ड्यू टू द ड्यू टू दॉलीजिन प्रॉपर्टीज़ ठीक है लेकिन पाइसम सेटिवम पे ये काफ़ी मतलब एक तरह से कहिए कि लकी रह गया मैंडल पाइसम सेटिवम पे रिसर्च करके क्योंकि जो जीन्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे चार चार क्रोमोजोम्स पे सेवन करेक्टर वो वो जो चारों क्रोमोजोम्स पे, पे जो जीन्स थे वो काफ़ी दूर दूर थे ठीक है तो वो जब दूर दूर थे तो वो आराम से इंडिपेंडेंट असॉटमेंट कर पाते थे इसलिए लिंकेज वाली जो प्रॉब्लम है ना वो ग्रेजर मेंडल को नहीं आई लेकिन जैसे ही फेस्यूल वल्गैरस पे वो काम करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा पॉलीजेनिक ट्रेड्स दिखने शुरू हो गए जिसकी वजह से मेंडल को कुछ समझ में नहीं आने लगा कि ये पॉलीजेनिक ट्रेड्स का मैं अब क्या करूं तो वो पायसम सेटिव पे सक्सेसफुल होकर अपना जो है लॉस दिया था जिसको आप लोग पढ़े ही हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पॉलीजीन वॉज क्वाइंट बाय वीच ऑफ द फॉलोइंग इसका बेस्ट आंसर है माथर आपको पता होना चाहिए कि माथर जो थे इसने पॉलीजेनिक की खोज की थी और पॉलिजिन होता क्या है पॉलिजिन होता क्या है कि ए जीन हुज इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन एफिनोटाइप इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व बट विच कैन एक्ट टूगेदर विथ अदर्स टू प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल वेरिएसन इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप क्लासरूम में एक बच्चा चिल्ला रहा है तो टीचर के टीचर को ज़्यादा इरीटेशन नहीं होता है लेकिन एक बार में सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं तो क्या होता है टीचर इरीटेट हो जाता है इसका मतलब है जब कोई भी जीन अपना इंडिविजुअल ही रहेगा तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा लेकिन जैसे ही सब कोई मिल जाता है अब तो फिर उसका फिनोटिपिक वेरिएशन जो होता है वो काफी ऑब्जर्व देखने को मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं पैर पॉलिजिन और इसको माथर ने क्वाइंट किया था टर्म को और लेकिन इसकी डिस्कवरी जो की थी उन्नीस ईस्वी में निल्सन अहले ने की थी जिस पे इनहेरिटेंस ऑफ ग्रैन कलर ऑफ वीट पे ठीक है तो ये भी ध्यान में रखना है अहले की बात भी ध्यान में रखनी है आपको चलिए फाइव क्वेश्चंस पे मूव करते हैं द एलील्स प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट आर टर्म डेज विच ऑफ द फॉलोइंग इसका आंसर है एसो एल्स एसो एल्स क्या होता है कि वैसा एलिल्स जो कि सेम लोकाइ पर होते हैं और जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जिसका क्या होता है सेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसो एलिल्स ठीक है आंसर विल बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोथीसिस दैट जिन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम्स ज मोस्ट कॉमनली डिजिग्नेटेड एज द क्रोमोजोमल थोड़ी ऑफ बाय विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन है मूलर कतई गलत आंसर मॉर्गन गलत आंसर स्टेटमेंट गलत आंसर इसका सही आंसर क्या है सटन एंड बॉवेरी सटन एंड बॉवेरी ने क्या बताया था कि जीन्स जो होते हैं ना आर फाउंड ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम ठीक है और उसका जो बिहेवियर है ना डूरिंग मियोसिस वो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको एक्सप्लेन कर देता है समझ रहे हैं मतलब कि विच आर सीन इन ऑल डिवाइडिंग सेल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ये सारा चीज जो है ना सेल डिवीजन के उसमें छिपा हुआ था तो वो चीज उसने किसने बताया सबसे पहले सटन एंड बॉवेरी ने तो याद रखिएगा और मॉर्गन ने क्या था मॉर्गन ने जो है ना आई कलर ऑफ द फ्रूट फ्लाई उस पर उस पर आधारित जो है ना रिस ये एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिया था एक्सपेरिमेंटली कि हाँ भाई ये जो सटन एंड बॉवेरी है और ये दोनों ने सही हाइपोथेसिस दिया है और मैं आपको बता दूं सटन 1902 और 1903 की बात है सटन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और बॉवेरी जो थे जर्मन साइंटिस्ट थे और उस दोनों ने जो है ना सटन ने ग्रास होपर पर इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया ग्रास होपर के म्योसिस प्रोसेस पे बॉवेरी ने बॉवेरी ने सी अर्चिन पर किया Miosis. और दोनों ने एक इंडिपेंडेंट कंक्लूजन पे पहुंचे ये जो कंक्लूजन अभी कल आता है क्रोमोजोमल तो इसको याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 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 है है चलिए मूव करते हैं हम लोग नंबर नंबर के पे इन एफ टू ऑफ ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ध्यान से देखिएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिनोटिपिक रेशियो एज्यूमिंग कंप्लीट डोमिनेंस एट ऑल लोकाई तो आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वह होता है एफ टू का कितना थ्री इस टू वन उसी तरह डाहाइब्रिड का कितना होता है एफ टू का रेशियो नाइन टू थ्री टू थ्री टू वन और सिंपली हम लोग कुछ नहीं करते हैं जो फिनोटिपिक रेशियो किसका एफ एफ टू का आया मोनोहाइब्रिड का और एफ टू आया डाहाइब्रिड का उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप आप खुद देखिएगा कॉपी पे करके तो वो आ जाएगा आपका सत्ताइस टू नाइन टू नाइन टू नाइन टू थ्री 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 वन ठीक है तो ये कैलकुलेट करके आप एग्जाम में आराम से टिक मार सकते हैं ठीक है इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे है द टू क्रोमेटिक्स ज्वाइंट टूगेदर बाय्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर नॉनेज विच फॉलोविंग ठीक है आपको पता है कि जब दो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है और अनसेपरेटेड फॉर्म में होता है तो वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का लाती है ठीक है लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसके बीच होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में होता है ठीक है तो ये याद रखिएगा नाइन नाइन नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें वेन बोथ द ऑफ ए जीन आर फुली एक्सप्रेस इन ए हेट्रोजैगोट दे आर नॉन एज फॉलोविंग आपके सामने ए बी ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है ये एक तरह से मान लेते हैं जैसे कि जब दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं डोमिनेंट फॉर्म में हाइट्रोजाइगोट फॉर्म में और दोनों की पिनेट्रेंस सेम होती है तो वो कोडोमिनेंट का लाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं टेन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द डी एन ए कंटेंट ऑफ ए जी जीरो सोमैटिक सेल ऑफ़ ए वर्टअप रेट जी जीरो को हम लोग बोलते हैं क्विशेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल क्विशेंट स्टेज में क्या होता है पहले समझ लेते हैं जी जीरो स्टेज होता क्या है कुछ सेल्स क्या होती है ना अपने आप को जरूरत पड़ने पर जो होती है वो डिवाइड करती है ऐसे नहीं कि मतलब किसी भी नेचुरली uh, डिवाइड करना शुरू कर दिए तो वो अपने आप को बचा के रखती है किसमें क्विशेंट स्टेज में जिसको आप डॉर्मेंट स्टेज बोल सकते हो सेल के लैंग्वेज में तो उसमें जो होता है डीएनए का कंटेंट होता है टू सी आपको पता है कि जब तक फेज तक नहीं आएगा तब तक डीएनए का अमाउंट दुगुना नहीं होता है तो जी जीरो जो होती है वह फेज से पहले की स्टेज है इवन की जीवन से पहले की स्टेज है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टू सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए इसकी मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया कि मॉर्गन थे टी एच मॉर्गन जिसको फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स भी बोलते हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो है आई कलर ऑफ द ड्रोसोफिला आई कलर ऑफ द फ्रूट फ्लाई सॉरी आई कलर ऑफ द फ्रूट फ्लाई पे क्या किया था उसने रिसर्च किया था तो उसने देखा था कि जो ये आई कलर है ना वो मतलब एक्स लिंक रिलेटेड है एक्स एक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है या लिमिटेड है तो उस पर उन्होंने जो है ना क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था तो इसका बेस्ट आंसर है ऑफ बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन ए जीन एंड इट सेंट्रोमियर द जीन विल सेग्रीगेट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कर क्रॉसिंग ओवर हो एक जीन और सेंट्रोमर के बीच में तो जीन सेग्रीगेट कब करेगा इसका बेस्ट आंसर है एनाफेज टू आप लोग यहां पे बोथ एंड भी नहीं लगाइएगा इसका आंसर है एनाफेज टू ठीक है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग थर्टीन नंबर पे। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोविंग अच्छा यहाँ पे हम लोगों को रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं आप लोग को फ्रेडरिक ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट याद होगा 1928 सौ ईस्वी में जो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे किया था ठीक है तो उसमें उसने बताया था कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज प्रजेंट ठीक है तो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट जो था वो बाद में Avery, Macleod, और हर से और चेज एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि ये डीएनए है ये कुछ नहीं है आपके ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट ये डीएनए है ना आपका सल्फर है ना आपका प्रोटीन है आपका क्या है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट डीएनए है लेकिन फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने नाइनटीन में इसका फाउंडेशन रखा था एक एक्सपेरिमेंट का जिसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं ठीक है तो 13 का जो आंसर है वो जाएगा ग्रिफ्थ चलिए फोर्टीन नंबर फोर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है वो है बाल्डनेस इज मोर फ्रिक्वेंट इन मैन देन इन वेमेन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द following ऑप्शन है सेक्स लिंकेज दूसरा ऑप्शन है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट तीसरा है सेक्स लिमिटेड ट्रेट चौथा है हॉलेंड्रिक ट्रेट हॉलेंड्रिक ट्रेट सॉरी देखिए सेक्स लिंकेज ट्रेट जो होता है सेक्स लिंकेज क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील दैट इज डिपेंडेंट ऑन द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल यदि कोई जेंडर से रिलेटेड है चीजें और वो सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा मतलब इनहेरिटेड हो रही है ठीक है मतलब एलोसोम्स के द्वारा इन्हेरिटेड हो रही है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेक्स लिंकेज और बाल्डनी सेक्स लिंकेज का कतई एग्जाम्पल नहीं है नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्स इन्फ्लुएंसड रेट ये आंसर सही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो होता है दोनों सेक्स में प्रेजेंट होता है मेल में भी प्रेजेंट होता है फीमेल में प्रेजेंट होता है लेकिन क्या होता है किसी पार्टिकुलर सेक्स में ज्यादा होता है मोर फ्रिक्वेंटली होता है मतलब सेम जीन विल सो डिफरेंट एक्सप्रेशन इन इच सेक्स कई बार क्या होता है कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड जो होते हैं उसका जीनो टाइप सेम होता है मेल और फीमेल में लेकिन क्या होता है कई बार उसका जो होता है मेल में ज्यादा दिख गया जैसे बाल्डनेस का एग्जाम्पल लीजिए तो बाल्डनेस सेक्स इन्फ्लुएंस रेट है जिसका जो है ना पिनट्रेंस uh, जिसका ज्यादा वो एक्सप्रेसिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है मेल में ज्यादा देखा जाता है तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस रेट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टी आई दैट आर एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोविंग ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए यू कैरियर प्रो कैरियोड्स ऑप्शन है बोथ है एंड बी लास्ट ऑप्शन है सम इन ए एंड सम इन बी इसका आंसर डी है समीन ए एंड समीन बी क्योंकि आपको पता है कि प्लाजमिट्स क्या होते हैं नॉर्मली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टू द प्लांट सेल ठीक है तो कई बार क्या होता है ईस्ट एगेरिकस जो कि यूकेरियड्स है सक्सेसफुली रिसिव द टीआई प्लाज्मेट बाय द कंजुगेशन किससे फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम मतलब एग्रोबैक्टीरियम में तो वो टी आई प्लाजमेट अपना सिक्वेंस एक्सप्रेस कर ही रहा है मतलब प्रोकेरियड्स में तो कर ही रहा है यूकेरियोट्स में भी करता है कब जब उसका कंजुगेशन के थ्रू वो क्या करती है इस टी एगेरिकस जैसा फिलामेंटस uh, और भी फंजाई हैं जो कि सक्सेसफुली रिसीव करते हैं बाय मेथड ऑफ कंजुगेशन तो प्रोकैरियोट्स भी करता है यूकैरियोट्स भी करता है तो इसका ऑप्शन आ रहा है समिन ए एंड समीिन बी ओके